ये फॉर्मूला आपका वन अपॉन अंडर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन, ये आपका होता है वन अपॉन टू एक्स लॉग एक्स माइनस ए अपॉन लॉग एक्स प्लस ए। ये हमको प्रूव करना है, ये देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से। अब इस क्वेश्चन में मैं वन अपॉन टू ए से डिवाइड करूँगा और टू ए से मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स वन अपॉन टू ए। यहाँ पर जो टू है इसके साथ में मैं एक बार एक्स को प्लस करूँगा और एक बार एक्स को माइनस करूँगा, जैसे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना हो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए की फॉर्म में इसके न्यूमरेटर में चेंज कर सकूँ। अब ये जो आपका ये है इसके साथ हम एक बार ये जो टू है इसके साथ मैं एक बार लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। अब इसको मैं यहाँ से एक्स प्लस ए को एक जगह रखूँगा वन अपॉन टू ए, ये आपका एक्स प्लस ए हो गया और इसमें इन दोनों में से माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स। इन दोनों को अलग अलग रख लूँगा यहाँ से वन अपॉन टू ए, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, साथ में माइनस इसको भी अलग करूँगा तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ से एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए कैंसिल वन अपॉन टू ए, ये आपका हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अभी आपका वन अपॉन टू ए, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है तो ये वन अपॉन एक्स माइनस ए का हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस ए और ये इसका लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी वन अपॉन टू ए। जब लॉग माइनस में होता है तो ये डिवाइड में चले जाते हैं तो आपका लॉग एक्स माइनस ए अपॉन लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी, यही हमारा प्रूव करना था कि वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए मोड एक्स प्लस ए।